साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज मैं आपके लिए बताऊंगा गन्ना बुवाई के लिए किस प्रकार खेत की तैयारी करें जिससे गन्ने का उत्पादन लगभग 20-25% अधिक निकले, क्योंकि कुछ समय बाद ही गन्ना बुवाई का कार्य शुरू होने वाला है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार गन्ना बुवाई से पहले खेत की तैयारी की जाए जिससे गन्ने का उत्पादन 20-25% अधिक निकले, और ख़ास करके उन खेतों की तैयारी किस प्रकार करें जिन खेतों में आपके गन्ने का उत्पादन आपके दूसरे खेतों से कम निकलता है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपके पास 4 या 5 खेत हैं तो कुछ खेतों में तो आपके गन्ने का उत्पादन अधिक निकलता है, जबकि 1-2 खेत में आपके गन्ने का उत्पादन बहुत कम निकलता है। और आपके गन्ने का उत्पादन जिन खेतों में कम निकलता है आप उन खेतों में अपने दूसरे खेतों की अपेक्षा अधिक लागत भी देते हो, फिर भी गन्ने का उत्पादन उन खेतों में प्रत्येक वर्ष कम ही देखने को मिलता है। तो साथियों आज मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि उन खेतों की गन्ना बुवाई से पहले किस प्रकार से तैयारी की जाए जिससे उन खेतों में भी गन्ने का उत्पादन उन खेतों के ही बराबर निकले जिनमें आपके गन्ने का उत्पादन अधिक निकलता है। भाइयों आपको बताना चाहूँगा जो भी जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता हूँ पहले उसका पूरी प्रकार से प्रयोग हम अपने खेतों में करते हैं। जब हमको उससे फ़ायदा देखने को मिलता है तभी आप लोगों को वो जानकारी दी जाती है। तो भाइयों आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है उस पर आप पूरी प्रकार से विश्वास कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी हमारे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। तो भाइयों अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर कि किस प्रकार खेत की तैयारी की जाए जिससे गन्ने का उत्पादन लगभग 20-25% अधिक निकले। तो आपको गन्ना बुवाई से पहले अपने खेत की मिट्टी पलटनी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो हम अपने इस खेत में गन्ने की बुवाई 15 फरवरी के आसपास करेंगे, और आज ही हमने अपने इस खेत में मिट्टी पलटने का कार्य शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि खेत की मिट्टी पलटना क्यों आवश्यक है, और मिट्टी पलटने के बाद अगर हम अपने खेत में गन्ने की बुवाई करते हैं तो गन्ने का उत्पादन क्यों बढ़ जाता है। जैसा कि किसान भाइयों हम सभी अपने खेतों की जुताई कल्टीवेटर, हैरो और रोटावेटर से ही करते हैं, और उन सभी से 8-9 इंच गहरी ही जुताई हो पाती है, और उसके नीचे सभी खेतों में मिट्टी की एक हार्ड परत बनी हुई है जिस परत को तोड़ना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम उस हार्ड परत को नहीं तोड़ते जब तक हम गन्ने का अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों मिट्टी पलटनी बहुत ही आवश्यक है। जिस खेत की हम मिट्टी पलटते हैं उस खेत की वो हार्ड परत भी टूट जाती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, साथ में ऊपर की मिट्टी नीचे पहुंच जाती है जहां हमारे गन्ने को सबसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है वहां पर उपजाऊ मिट्टी पहुंच जाती है। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी अच्छी प्रकार से ये जानते हो कि गन्ने की बुवाई के समय काफ़ी गहरी नाली बनाई जाती हैं, और उन नालियों में गन्ने की पोरी डालकर गन्ने की बुवाई की जाती है, और जहां पर हमारे गन्ने की वो पोरियां पड़ती हैं वहां पर वो हार्ड मिट्टी की परत होती है, जिस कारण गन्ने का जर्मिनेशन भी काफ़ी प्रभावित होता है। जैसा कि आप सभी किसान भाई अच्छी प्रकार से ये जानते हो कि गन्ना बुवाई के बाद पोरी की जड़ों का विकास होता है, उसके बाद ही उस पोरी की वो आंख फूटती है, उसी में से किल्ला बाहर निकलता है। लेकिन जब उस पोरी की बुवाई कठोर परत पर की जाती है तो अच्छी प्रकार से पोरी की जड़ों का विकास नहीं हो पाता, जिस कारण कुछ पोरी की आंखें
जर्मिनेशन नहीं कर पाती, इसलिए आपने देखा होगा आपके जिन खेतों में गन्ने का उत्पादन कम निकलता है उन खेतों में गन्ने का जर्मिनेशन भी और खेतों से कुछ कम देखने को मिलता होगा। अगर आप अपने उन खेतों की मिट्टी पलटने के बाद गन्ने की बुवाई करते हो तो आपके गन्ने का जर्मिनेशन भी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। वैसे तो किसान भाइयों मिट्टी पलटने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, लेकिन भाइयों ये भी मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। इसलिए भाइयों अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको कमेंट के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। साथियों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपने जिस खेत की मिट्टी पलटते हो अगर उस खेत में मोटे मोटे ढीले बनते हैं या आपके खेत में अधिक नमी है, खेत गीला है, तो किसान भाइयों उसकी आप मिट्टी पलटने के बाद कल्टीवेटर से या एक जुताई रोटावेटर से अवश्य कराएं, क्योंकि अगर वो मिट्टी सूख गई तो भाइयों आपको उसमें कंप्यूटर मांजा चलाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। दोस्तों जिस खेत की मिट्टी पलटी जाती है उस खेत में कंप्यूटर मांजा चलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सारा खेत बहुत ही ऊंचा नीचा हो जाता है। बिना लेवल किए आप उसमें किसी भी फसल की बुवाई नहीं कर सकते, क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा हो जाता है। इसलिए भाइयों आपको मिट्टी पलटने के अगले दिन या भाइयों उसी दिन खेत की मिट्टी को बारीक करना आवश्यक है, नहीं तो किसान भाइयों उसमें अच्छी प्रकार से कंप्यूटर मांजा नहीं चल पाएगा। और भाइयों खेत को अच्छी प्रकार से लेवल कराने के बाद अगर आपके पास गोबर की खाद की व्यवस्था हो तो आप उस खेत में गोबर की खाद डाल के बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अगर आपके पास गोबर की खाद की व्यवस्था नहीं है तब भी आप अपने उस खेत से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो जिस खेत की आपने मिट्टी पलटवाई है। तो बिना गोबर की खाद डाले आप अपने उस खेत से बहुत ही अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हो इसकी जानकारी मैं आपके लिए अगली नई वीडियो में दूंगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।